हमारी कोई अपील नहीं है। अब पहले हम लोग चाहते थे कि शहर का अमन अमान कायम रहे, अपने लोगों को दबाए रहते थे, लेकिन अब हमारी कोई अपील नहीं, अब डीएम जाने। जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। वो आदेश जो है तो 2022 की वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट और सन 1937 का हमारा हक में जो फैसला है उसको और लुक करके किया गया है। वो गलत कहते हैं, वो करते थे, लेकिन उसके सबूत में उन्होंने कोई भी जो तो मतलब उस सपोर्ट में कोई सबूत दाखिल नहीं किया है, कोई सबूत है ही नहीं उनके पास जो है तो, और करते ही नहीं थे, इसलिए सबूत कहाँ से इकट्ठा करेंगे। आप लोग बता रहे थे कि वैसे ही कोई मूर्ति उस पैखाने में थी ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई कभी नहीं थी। अब कमीशन की रिपोर्ट देखिए और एसआई की रिपोर्ट देखिए, क्या उसमें कहीं लिखा है कि दक्षिणी का था, और आज भी नहीं है। हम लोग को लेकर के चले वहाँ पर कि वहाँ पर कोई मूर्ति है, हमको दिखलाएं कि वहाँ मूर्ति है। मैं इस आर्डर के खिलाफ ऊपर जाऊंगा और जितना भी प्रयास होगा मैं कोशिश करूंगा ऊपर जाने की, इनके किसी भी आर्डर को मैं मानूंगा नहीं। और जो इन्होंने पूछिए, अब जो इस आर्डर आया और 7 दिन के अंदर पूजा के लिए जिलाधिकारी को रिसीवर बनाकर उनको 7 दिन की अनुमति के लिए कहा गया है, इसको आप किस हद तक मानते हैं? अब इसको हद तक तो ये डीएम जाने और जिला जज जाने, अब तो ये सब मिले हुए हैं, इन लोगों को जो समझ में आए करें। हम तो कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कानून से पीछे नहीं रहेंगे। आप कानून से लड़िए या कानून से पैसे से लड़िए या बिक के लड़िए, जैसे चाहे उसे लड़िए, लड़ने के लिए तैयार है। आपने कहा कि राजनीतिक से भी राजनीति से, हाँ, अगर ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब हो रहा है। आपने इसकी तुलना की कि बाबरी जैसे ही चीजों को यहाँ लाया जा रहा है, वो सेम पोजीशन वही यहाँ लाई जा रही है। किस तरह से? जैसे वहाँ के डीएम ने मूर्ति रखवा दिया था वैसे यहाँ तक, यहाँ जबकि वहाँ अंदर कुछ है ही नहीं है। और कमीशन की दो कमीशन रिपोर्ट एएसआई की और प्लस कमीशन की दोनों रिपोर्ट आई, दोनों रिपोर्ट में कहीं फाइंडिंग नहीं आई कि अंदर कुछ पाया गया या कोई ऐसे निशान पाए गए या कोई मूर्ति पाई गई जिसकी हम पूजा पाठ करेंगे। आप खुद अपने प्लान में क्या क्या रहे हैं कि 93 से हमको श्रृंगार गौरी का पूजा करने का अधिकार दिया था, पहले नहीं दिया था, अब नहीं दिए। 93 से बंद है, मार्केटिंग से घिरी हुई है, डिस्ट्रिक्ट जज ने कह दिया मार्केटिंग काट करके इनको पूजा कराई जाए, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मीडिया निकालेगी ना। ज्ञान व्यापी और अयोध्या की यानी बाबरी को लेकर परिस्थितियां अलग अलग हैं या आपको अब चीजें सेम? अभी तक तो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब परिस्थितियां सेम लाई जा रही है, यहाँ भी वैसे ही परिस्थितियां यहाँ भी लाई जा रही है। आदेश आपने देखा? हाँ, आदेश देखा। क्या आदेश में ऐसा लग रहा है कि हाँ सामान्य लग रही है वो? आदेश से हम लोगों को सामान्य आदेश नहीं समझ में आया, ये एकदम टोटल उनके अब रिलीफ का ऑर्डर कर दिया, पूरे रिलीफ का ऑर्डर कर दिया, जो उनकी रिलीफ थी। आप उनके एप्लीकेशन देखिए, आप जैसा ये लिखा है कि इनको 2 दिन के अंदर जो है डीएम महोदय उसकी व्यवस्था कराएं पूजा के लिए। और ये बाढ़ हटाने के लिए क्या लिखा हुआ है? बाढ़ हटाने की बाढ़ घटी को उतनी हटाई जाए। अच्छा सर, एक चीज है कि एक तो तहखाने का रिसीवर डीएम को बनाया, सुपुर्दगी दे दी, एक पहला आदेश। दूसरा आदेश अब किया गया है कि तहखाने में पूजा का अधिकार दिया जाए। अब दोनों मामले पर आप न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और क्या आपका वहाँ आर्गुमेंट रहेगा? अभी तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के अधिवक्ता को वो रखेंगे, वो जो हमको गाइड करेंगे वो किया जाएगा। अभी ये तो डीएम महोदय देखेंगे, बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहाँ का अमन अमान कैसे रहेगा, कैसे इसको रखना है, ये डीएम के काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो अधिवक्ता हूँ, कोर्ट में हमको बहस करने का काम है, बहस किए। लोगों से क्या अपील है इस मामले में? हमारी कोई अपील नहीं है। अब पहले हम लोग चाहते थे कि शहर का अमन अमान कायम रहे, अपने लोगों को दबाए रहते थे, लेकिन अब हमारी कोई अपील नहीं, अब डीएम जाने। अभी भी कोशिश करेंगे। गुस्सा है बहुत आपको इस आदेश से लगता है? जरूर, इस आदेश से गुस्से में हैं आप? बिल्कुल हैं। हम नाजायज हैं, नाजायज नहीं है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। ये लोग झूठ को फसाद बना देंगे, झूठ को पहाड़ बना देंगे, हम झूठ को छुपाएंगे नहीं, झूठ को झूठ कहेंगे, सच को सच कहेंगे। जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कानून को धज्जियां उड़ा दी जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? हम आक्रोश नहीं आएगा हमको? 93 के पहले पूजा पाठ तो वहाँ हो रहा था? नहीं, गलत है, कभी नहीं हुआ।
मैं 36 साल की मेरी वकालत होगी, मैंने कभी नहीं देखा। तो ये जो मुकदमा दाखिल किया शैलेंद्र पाठक की ओर से और इस तरह की ये सारी चीजें जो दलीलें दी वो सब गलत हैं फिर? हमारे उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, जब जब सबूत कोई है ही नहीं है तब कैसे मान लें? कोई सबूत नहीं है, खाली कह दिया हो गया। उनके कहने से नहीं ना होगा, इसके पहले तो ब्यास तक कह दिया कि शिवलिंग असली हमारे घर में है, माना आपने।